यो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है शांत फैसल और आप देख रहे हैं शांटर्स टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोग, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग टॉय लेकर आया हूँ। इसका नाम है जी एयरबस और आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोग, आज मैं इस एयरबस की अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जो है ना इसके स्पेक्स बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये जो है ना फ्लैश है, लवली है, इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक, हमारे पास जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक है। और उसके अलावा नीचे की तरफ में आ जाते हैं, नीचे की तरफ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसके विंग्स को हमें अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है स्पीकर भी इंसर्ट किया गया है। हमें इसमें 3 सेल डालने पड़ेंगे और उसके टायर हैं वो रोटेट भी जो है करेंगे। और उसके जो है यहाँ पर इसमें फ्लैश और म्यूज़िक भी हमें जो है देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा इसमें जो है कोई और जो है चीज़ इसमें नहीं है। तो फटाफट से जो है इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो है किस तरह का जो है हमारी जो प्लेन है वो किस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है इसका बॉक्स ओपन होगा और हमेशा की तरह जो है बॉक्स में हमें जो है यहाँ पर में टेप देखने को मिल जाता है। तो टेप को फटाफट से हम लोग उतार लेते हैं और टेप खोलने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी को दबा दीजिएगा। मैं मिलता आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओह सॉरी, वीडियो एंड नहीं कर रहा। इस है ना वो टेप को खोल लेते हैं। भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो है एक नाइफ ले आऊँ और मैं जो है इन टेप को खोल सकूँ। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स की जो है टेप को उतार लिया है और फटाफट से इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर जो है वो प्लेन निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, इसके अंदर से जो है अब मैं प्लेन निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये देखें, ये प्लेन जो है वो अपना हैंगर से बाहर आ चुका है और अंदर इसके जो है वो यहाँ पर जो है विंग्स हैं। और उसके अलावा डब्बे में देख लेता हूँ, डब्बे में और जो है वो और भी हमें जो है डब्बे में यहाँ पर एक और थोड़े से विंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और डब्बे में कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, डब्बे में बिल्कुल डब्बा खाली है। ये देखें आप लोग, तो यहाँ पर जो है डब्बे हमें कुछ नहीं, डब्बा हमारे किसी काम का नहीं है। तो डब्बे को हम लोग सिंपल, तो अब जो है प्लेन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो हमारा प्लेन है बिल्कुल नॉर्मल सा प्लेन है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं, रेड कलर का ये जो है प्लेन है और यहाँ पर लिखा हुआ है एयरबाउ। निकल उड़े पहली फुर्सत में निकल। और नीचे की तरफ में आप देखें, यहाँ से जो है ये जो टायर हैं ये रोटेट करेंगे। तो इनकी जो है ये कैप है ये लगाई हुई है इन्होंने, तो ये मैं लगा दी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक LED इन्होंने लगाई हुई है। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है LED लगाई हुई है। नीचे की तरफ में इसके व्हील्स हैं। यहाँ पर मैं जो है सेल का बोनट है, इसको भी हम लोग सिंपल यहाँ से जो है ना वो खोल लेंगे। इसका बोनट खोलने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमें जो है ना वो इसको इस तरह पुश करना पड़ेगा और आप जो है इसको इस तरह खोल सकते हैं। इसमें 3 सेल डालने हैं, तो अभी हम लोग इसमें सेल डालते हैं, लेकिन अभी हम जो है इसको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके 2 विंग्स हैं यहाँ पर मैं और 2 छोटे से विंग्स हैं। इसको जो है ना हमें पीछे की तरफ में लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इन बड़े विंग्स को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं इस तरह अटैच कर लूँगा और इन विंग्स के अंदर भी जो है ना LED लगाई हुई है, तो इन विंग्स को भी हम लोग जो है ना यहाँ पर अटैच कर लेंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से जो है इसके विंग्स भी अटैच हो गए हैं बिल्कुल। और अब ये जो प्लेन जो बिल्कुल सादा सा लग रहा था, लेकिन अब जो है ये इसने प्लेन की शक्ल अदा करना शुरू कर दी है। तो अब इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर मैं। फाइनली मैंने इसके जो है विंग्स हैं वो भी लगा दी हैं और ये जो छोटे वाले विंग्स हैं थैली में पैक हैं, तो इनको भी हम लोग खोल के यहाँ पर मैं लगा देते हैं। तो ये छोटे से विंग्स हैं यहाँ पर मैं, बल्कि ये विंग्स नहीं है, ये एक जो है वो रेडिएटर है और 2 विंग्स हैं यहाँ पर मैं। तो रेडिएटर को हमने जो है वो यहाँ पर पीछे की तरफ में लगाना होता है, तो इसको भी हम जो है इस तरह लगा देते हैं। और जो छोटे छोटे विंग्स हैं इनको हम लोग जो है ना वो यहाँ पर मैं इसके साइडों में लगा देंगे। तो ये हमने आखिरी लगा दिया और हमारा प्लेन बिल्कुल रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेन है, तो फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने जो है प्लेन बिल्कुल तैयार कर दिया है और अब हम जो है इसके अंदर सेल डालेंगे। तो लोग, हमने अपने प्लेन को पूरा वो यहाँ पर असेंबल कर लिया है, अब हम जो है इसके अंदर सेल डालते हैं यहाँ पर मैं। तो ये सेल का स्लॉट है और 3 सेल हमने डालने थे, तो मैं सेल जो है ना ले आया था और हम जो है इसके अंदर सेल इंसर्ट कर देते हैं। और आपको जो है इसको चला कर दिखाते हैं कि जो है किस तरह का यहाँ पर हमारा जो प्लेन है वो किस तरह का चल रहा है। तो
तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो ये आखिरी सेल अलग लगा दिया। तो यहाँ पर जो है ना तीन सेल लगा दी हैं, और अब हम जो है ना इस तरह इसको पीछे लेके जाएंगे, इस तरह की तरफ में इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पीकर में हमें देखने को मिल जाता है, और इसका जो स्विच है वो यहाँ पर नीचे की तरफ में है। तो हम इसको जो है ना चला कर आपको दिखाऊँगा कि जो है ना किस तरह का चल रहा है। तो स्विच को मैं कर लेता हूँ जी ऑन यहाँ से, ये देखें यहाँ से ये स्विच ऑन हो गया। ये देखें कितने ज़्यादा थ्री डी इसमें जल रही हैं, आप लोगों को जो है ना वो नहीं दिख रही होंगी यहाँ पर मैं, ये देखें थ्री डी लाइसेंस में जो है ना वो जल रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जो है ना वो ब्राइट सा है। और नीचे की तरफ में जो यहाँ पे कैप दिख रही थी, इसको कैप को हटाएंगे, ये देखें। तो नीचे की तरफ में जो टायर्स हैं वो इस तरह जो है ना वो रोटेट कर रहे हैं। बॉक्स में लिखा हुआ था कि जो है ना इसमें 3D रोटेशन है, तो ये जो है ना वो वाकई 3D रोटेट कर रहा है। आप देखें पूरा प्लेन जो है ना वो चल रहा है, ये प्लेन उड़ेगा नहीं लेकिन जो है ना इस तरह चलेगा। और 3D लाइट्स में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जल रही हैं, लिख दी मैं। तो वह लोग मुझे जो है ना इसकी 3D लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट्स की जो है 3D लाइट जल रही हैं। रेडिएटर हटाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है लाइट लगाई हुई है, और रेडिएटर जैसे हम लोग उसमें लगाते हैं तो रेडिएटर पूरा जो है चमकने लगता है। और यहाँ पर जो है इसके विंग्स में भी लाइट लगाई गई हैं, और इसके जो है टॉप पर भी आप लोग देख सकते हैं लाइट्स लगाई गई हैं, और नीचे की तरफ में जो है इसकी मशीन लगाई गई है जो है 3D रोटेट कर रही है। तो आप चाहें तो इसको जो है इस तरह चला भी सकते हैं, और यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। ओवरऑल जो है ना वो मुझे प्लेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे की तरफ में जो है ना वो यहाँ पर मैं म्यूज़िक भी बज रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना उसका म्यूज़िक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल एरोप्लेन जैसा है, तो जो इसके अंदर म्यूज़िक भी डाला गया है। और उसके अलावा जो है ना अभी सबसे पहले इसको बंद कर लेता हूँ मैं, अब मैं इसको बंद कर लिया है। तो लोग मुझे टॉय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक यूनिक सा टॉय है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए इसको बाय कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी प्राइस की, तो अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आप मेरी शॉप से इसको बाय कर सकते हैं। तो ये आ रहा है जी मेरी शॉप का कार्ड, यहाँ पर जो है मेरी शॉप का कार्ड आ रहा होगा, और जो इसमें नंबर लिखा है आप मुझे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि भाई मुझे टॉय पसंद आए, आप मुझे इस नंबर पर जो है मुझे सेंड कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ये प्लेन इस नंबर पर जो है आपको सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर अब आते हैं इसकी प्राइस पर, आपको जो है हमारी शॉप से कितने का देखने को मिल जाएगा। अगर हमारी शॉप से इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आपको 1499 रुपीस में आपको हमारी शॉप से देखने को मिल जाएगा। 1499 रुपीस में आपको हमारी शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। तो जिस भी भाई को चाहिए मुझे कांटेक्ट करके बता। तो लोग आपने इस टॉय का रिव्यू देख लिया होगा, अगर आप चाहो तो मेरी शॉप से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो जितने भी मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो मेरे को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।